जिंदाबाद जिंदाबाद, मंत्रालय कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। मंत्रालय कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 मंत्रालय कर्मचारी एकता जिंदाबाद, मंत्रालय कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, मंत्रालय एकता। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर आज कलेक्टर साहब को जोधपुर महासंघ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। डीओबी ने जो एक आदेश निकाला वर्तमान में मंत्रालय कर्मचारियों की योग्यता अभिवृद्धि के खिलाफ, उसके खिलाफ आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। और हमारी मांग है कि जो हमने योग्यता अभिवृद्धि की मांग की, उस योग्यता अभिवृद्धि की मांग को शीघ्रता से लागू करें। उसको 3600 रुपये जो हमने ग्रेड पे की मांग की है, उस ग्रेड पे की मांग के लिए भी अगर हमारी ये मांग समय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मानी नहीं गएगी तो पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन का मंत्रालय कर्मचारी महासंघ द्वारा आह्वान किया जाएगा। आज क्या किया आपने? आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय से मिलकर ज्ञापन दिया और जो डीओबी ने जो इसके खिलाफ आदेश निकाला, उस आदेश की हमने पर्ती जलाकर रोष व्यक्त किया। सूरज प्रकाश जाजरा, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ। जी, मैं देवलाल मीणा, जिला महामंत्री, राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी महासंघ जोधपुर। आज हमने सरकार को ये ज्ञापन दिया है। मुख्यमंत्री ने फरवरी 2021 में बजट घोषणा की थी कि बिंदु संख्या 58 में मंत्रालय कर्मचारियों के लिए पटवारी, ग्राम सेवक और बाबू वर्ग के लिए एक समान पात्रता परीक्षा और समान योग्यता के लिए। लेकिन अभी डीओपी का 23/6/2021 का आदेश आया है अमित गेरा साहब का कि बाबू को सेकंड शेड्यूल में डाल दिया और पटवारी और ग्राम सेवक को फर्स्ट शेड्यूल में डाल दिया और हमारी योग्यता 10+2 रखी। तो हमारा आज का ज्ञापन का विषय यह था कि सरकार ने जो विरोधाभास किया है और बाबू वर्ग को दोयम दर्जे में रखा है, इसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को और मुख्यमंत्री साहब को आह्वान किया है। और हमारी इस मांग को सरकार जिन नहीं मानेगी तो जल्दी, बहुत जल्द आंदोलन का आगाज किया जाएगा पूरे राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी महासंघ द्वारा।